तो पहले ही काम किया और रोना आ गया। इतना लेते हैं ओए, इस टाइम शोर भी नहीं करना अगर क्यों। ओहो चिकन को रोटी रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के करम और शुक्र वाले दिन के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर पुराने तो वीडियो को लाइक कर ले। अच्छा जी, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और अभी जो टाइम हो रहा है 1 बजे का, और अभी थोड़ी देर पहले ही अपना सायरन बजा और पता लगा कि जी आज सुबह रोज़ा है। जी पहले घर में जो सालन पका हुआ था वो था जी गाजरे मटर का, इधर ही पड़ा होगा। पहले मेरा प्लान था जी, क्योंकि ये काफ़ी लेट था जब नहीं पता लगा तो मुझे था कि शायद कल सुबह टाइम जो है वो रोज़ा नहीं है तो ठीक है। लेकिन सहरी टाइम पहले जो 2-3 रोज़े होते हैं, पहले सहरी टाइम खाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम की रूटीन नहीं होती। इस वजह से तो मैंने कहा कि जी सुबह टाइम ये गाजर मटर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है और खा भी लेते हैं, लेकिन जो उस टाइम खाने के लिए ना कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो पहले 2-3 रोज़ों में रूटीन बनाने के लिए बंदे को ज़्यादा दिल करे खाने का। तो खैर अभी 1 बजे का टाइम तकरीबन हो चुका है तो मैंने कहा दूसरे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और खुद ही जी बनाते हैं जी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए जी जो जो चीज़ें चाहिए पहले वो देख लेंगे। चिकन वो हमारे पास मौजूद है जी, और फ्रिज में जी हरी मिर्ची और टमाटरों का जो टेस्ट पेस्ट है वो बना पड़ा है तो वो यूज़ कर लेंगे। खैर अभी बनाते हैं जी चिकन कढ़ाई और देखते हैं किस तरह की बनती है। और ये आ गया जी कटिंग बोर्ड और जो टमाटर और दूसरा पेस्ट है वहाँ पेस्ट ही डाल देंगे। चिकन मैंने जो निकाल लिया और इतना सा चिकन इसलिए निकाला ताकि अगर किसी और का भी थोड़ा सा दिल करे तो वो भी खा ले। और अभी चिकन को धोते हैं। अभी तो पहले ही काम किया और रोना आ गया इतना ज़्यादा। अभी थोड़े से प्याज काटे हैं लेकिन आंखों ने एक दफ़ा खीर कर दी। खैर अभी प्याज हमारे जो सबसे मुश्किल मरला वो कट चुका है, अब हम ढूंढेंगे नीचे से कहीं से कढ़ाई कर लेते हैं। ओए इस टाइम शोर भी नहीं करना अगर क्योंकि इस टाइम शोर हुआ तो मसला बन जाएगा। इसका भी लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। चल नहीं रही, ये दूसरी लेते हैं, ये भी नहीं चल रही। इनका फ्यूल पूरा होने वाला, इधर फ्यूल पड़ा होगा पहले वो डाल लेते हैं। फ्यूल भी नहीं पड़ा, चलो अब आग कैसे चलाएं। तो अभी यहाँ पे छोटा सा मसला बन गया कि फायर गन के अंदर फ्यूल भी नहीं है और माचिस भी नहीं मिल गई। अच्छा जी, तो अभी मेरी ये बेवकूफ़ी थी कि ये वाला उसका बर्नर और मैं ये वाला जला के आग उसमें लगा रहा था। और अभी डालते हैं जी थोड़ा सा ऑयल। मेरे हिसाब से पहले हमारे लिए प्याज अंदर, जब तक ये प्याज ब्राउन होते तब तक हम अपने दूसरे जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। पहले हम हरी मिर्चें निकाल लेते हैं, इतनी सी बोल है बिल्कुल, थोड़ा सा और ले लेते क्योंकि इसके अंदर मैंने और भी मसाले काफ़ी डालने हैं। ये हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी वाला बना बहुत है। और जी मैं थोड़ा सा आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है और बाकी सारे सो रहे हैं और मैंने दरवाज़ा तो बंद किया है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि बाकी सब डिस्टर्ब हों क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह उठ के अभी सहरी भी बनाना है तो खामोशी से काम हो जाए तो अच्छा है। और इसको भी हम रख देंगे ऐसे ही वापस। अच्छा जी, मैं जब भी चिकन कढ़ाई बनाता हूँ तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा मसला बनता है मेरे साथ वो ये होता है कि मेरे से चिकन सही तरह से गलता नहीं है। आज उसको करने के लिए मैं किसी भी मसाले को डालने से पहले सबसे पहले मैं अपना चिकन डाल दूँगा अंदर ताकि और कुछ मसाला अंदर डले ना डले, सही तरह हो ना हो, मेरा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए। जितनी देर जी मेरा चिकन थोड़ा सा पक ले उतनी देर हम खाते हैं जी कोल्ड मेट। आधी वैसे किसी ने खाई हुई है लेकिन
जितने मिल जाए उतने में शुक्र अदा करो। अभी जी काफ़ी लेट लेट पता नहीं था लगा कि सुबह रोज़ा है या नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और जैसे ही अभी मैंने पिज़्ज़े का ऑर्डर किया वो ना फिर साइरन बज गया और पता लग गया कि आज रोज़ा है, मतलब सुबह रोज़ा है। तो बड़ी टेंशन हुई थी यार, अभी मैंने चिकन अपना पिज़्ज़ा भी खा लेना और सुबह सैरी कैसे करूँगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। इतनी भी स्लो, थोड़ी भी स्लो करें, इतनी कम होगा ताकि अपना चिकन नीचे ना लगे। अच्छा तो यार अब मैं डालने लगा मसाले और इसके अंदर मैं डाल तो वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल होगा दूसरे हाथ में डाल नहीं सकता, तो आपको वैसे डाल देता हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी मैं ये लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ऐड कर, अगर दिल किया तो हल्का सा केचप भी डाल दूंगा। खैर अभी मसाले डालते हैं उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। थोड़ी सी बोतल पी लेंगे जी ताकि जो रात पिज़्ज़ा खाया था वो हजम हो सके। हल्का सा मिलाएंगे जी काला नमक। हाँ 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 क्या बात है। अब जी हमारे चिकन के अंदर जाने की बारी आ गई है। टमाटर और हरी मिर्च और पेस्ट की, और हमारे चिकन को फिलहाल हो चुके हैं जी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा विनेगर और चिली सॉस भी डाल देंगे ताकि ये टमाटरों का जो है पेस्ट इसके साथ ही मिलके पक जाए। अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं केचप डालूं या नहीं, डालूं या मेरे ख्याल में डाल देता, थोड़ी सी डाल देता हूँ बिल्कुल ताकि ना केचप से मुझे लगता है ऐसा, हालांकि मैं प्रॉपर कोई शेफ नहीं हूँ, कि थोड़ा सा जो अपना सालन है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ग्रेवी डाल दी अल्लाह के स्पून पर देखी जाएगी। अभी जी चिकन को चेक कर लेते हैं कि कितनी सी कसर है, भी पड़ा जी बोटी आई है ठंडी बहुत गर्म बहुत हो गई। टेस्ट मज़ेदार है लेकिन अभी थोड़ा सा अभी इसके अंदर स्पाइस भी और डालते हैं, हले लाल मिर्च और डालते हैं और इसको थोड़ा सा और अभी ज़रूरत है। अच्छा जी तो हमारा सालन ऑलमोस्ट हो चुका है चिकन, तो अब इसको पका के ढक के रख दूंगा। तकरीबन सैरी में अभी 2 से 2.5 घंटे रहते हैं, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सैरी के टाइम पे। शेरी भाई शेरी भाई उठ जाओ यार, रोजे का टाइम हो गया है। अभी सालन को ट्राई करते हैं और देखते हैं जी कि किस तरह का बना है। माशाल्लाह स्मेल जो है वो तो काफी ज्यादा मजेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एंड पे दोबारा से मैंने ऐड किए थे ना वो लाल मिर्च और नमक वगैरह, उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा जो है वो गेम ऊपर हो गई थी। तो खैर आज की वीडियो को यहाँ भी खत्म करते हैं और उम्मीद भी करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जी फीडबैक जरूर दीजिएगा। रमज़ान के अंदर दुआओं में खास याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना, शहरयार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहरी भाई अरे भाई यार रोजे का टाइम हो गया और माशाल्लाह काफी ज्यादा टेस्टी बना है। खैर आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और मेल भी थोड़ा सा पीछे रहना, क्या ऊपर चढ़ा सही आ रही है।